राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक व्यक्ति बेहद सुर्खियों में है। सुर्खियों का कारण है उनके बयान, जो गाहे बगाहे हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाला यह शख्स जहां अपने बयानों से अपनी पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं सियासी जानकारों की माने तो पद की लालसा के चलते ये आलाकमान की नाराजगी भी झेल रहा है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने हो या फिर जिस संगठन की जिम्मेदारी उनके खुद के पास में है उस संगठन को कटघरे में रखना हो, सचिन पायलट इन दिनों काफी चर्चाओं में है। वे आए दिन सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब पायलट ने ऐसा किया हो। सत्ता की कमान जब से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत के हाथों में आई है, पायलट लगातार ऐसा कर रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो उनकी इस नाराजगी या बयान वीरता का कारण मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलना है। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पायलट के यह बयान महज राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते दिए गए हैं। खैर, कारण चाहे जो भी हो, पायलट के बयानों से कांग्रेस पार्टी को ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सियासी सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि पायलट के इस बयानों के चलते आलाकमान उन्हें कई बार फटकार भी लगा चुका है। इस दौरान एक बात सियासी गलियारों में चर्चाओं में है कि राजस्थान में कांग्रेस की वापसी सीएम अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व के चलते ही संभव हो पाई थी। वहीं इसके विपरीत पायलट के बयानों को साधने और सरकार के समर्थन में सत्ताधारी विधायक लगभग एकजुट हैं। वे हर जगह उन बयानों को साधते नजर आते हैं जिससे पार्टी को कोई नुकसान न हो। आशा है कि आने वाले दिनों में आलाकमान इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए एक कड़ा मैसेज दे सकता है।